नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैन वीयू जोधपुर के द्वारा संचालित बीएससी के सेकेंड ईयर के कोर्स में आपके 3 पेपर हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर का नाम आपके टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, यानी कि वर्गीकी और आउटब्यूजी पार्पों में भ्रौणिकी। दूसरे पेपर का नाम आपके आउटब्यूजी पार्पों की शारीरिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान और इथनोबॉटनी है। तीसरा जो आपका पेपर है उसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड इवोल्यूशन। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के सेकेंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का सेकेंड पेपर है उसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। और जो सबसे पहली यूनिट है उसके अंदर आपको रूट सिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ना होगा। सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर अपन को शूट सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। और थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ और लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। और यूनिट जो फोर्थ है उसके अंदर अपन को इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ना होगा। और यूनिट 5 है या फिफ्थ यूनिट है जो उसके अंदर अपन को मसाले और कुछ मेडिसिनल प्लांट और इथनोबॉटनी के बारे में पढ़ना होगा। तो आज के इस वीडियो में अपन बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के सेकेंड पेपर की चौथी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के सेकेंड पेपर की चौथी यूनिट के अंदर अपन आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इसके अलावा उसके अंदर अपन खाद्य पादपों और फाइबर प्लांट्स और वेजिटेबल ऑयल प्लांट्स, बेवरेगस रबर और फायरवुड है, टिम्बर है, बेम्बूज है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन को ये जानना होगा कि इकोनॉमिक बॉटनी या आर्थिक वनस्पति विज्ञान होता क्या है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा यह है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों और उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं या इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। मनुष्य है जो प्राचीन समय से ही कपड़ा, रोटी और मकान के लिए संघर्ष करता रहा है। इसके अलावा उसे कुछ और भी चीजों की आवश्यकता होती है जो उनको पादपों से मिलती हैं और जो उनके दैनिक जीवन में काम आती हैं और जो उनको आर्थिक रूप से सहायता भी देती हैं। तो सबसे पहले जो उपयोगी फसल की खेती है वर्ल्ड के अंदर जोग्रेस पर्वत के ढलान और उत्तरी इराक के जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस की घाटी है वहां पर की गई थी। जोग्रेस जो पर्वत है वो ईरान में है और टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो पर्वत है या घाटियां वो इराक में है। तो कहने का मतलब उपयोगी फसलों की खेती का शुरुआत कहां से मानी गई है, ईरान और इराक से मानी गई है। इसके बाद में यूं तो बहुत सारे उपयोगी फसलों के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया था, लेकिन जो लाभदायक कृषि पौधे हैं उनको वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय सबसे पहले थियोफ्रास्टस और डाइस्कोराइडिस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस जो अरस्तु के स्टूडेंट रह चुके हैं, इन्होंने उपयोगी फसलों और
उनके उपयोग के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। किसको कहेंगे अपन? थियोफ्रेस्टस को। अब जो अपन के सामने या अपन के आसपास जो उपयोगी पादप होते हैं, उनके कौन से भाग उपयोगी हैं और उनसे कौन-कौन से उत्पाद अपन को मिलते हैं, और कौन से प्लांट जिनका प्लांट पार्ट उपयोगी है, तो आइए अपन देखते हैं। पादप के आकारिकी रूप से भिन्न-भिन्न अंग हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसके अंदर नंबर एक दे रखा है रूट और अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी प्लांट का उपयोगी पार्ट है। तो कौन कौन से पादप हैं जिनका रूट और अंडरग्राउंड स्टेम है जो उपयोगी है? तो इसके अंदर अपन बता सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में रेडिश यानी कि मूली, कैरेट यानी गाजर, स्वीट पोटैटो जिसको अपन शकरकंद भी बोलते हैं, पोटैटो, ये हैं इन पादपों के अंडरग्राउंड स्टेम और रूट्स हैं जो उपयोगी होती हैं। अब जो वायवीय स्तंभ बोल सकते हैं जिनको नेक्स्ट या अपन कह सकते हैं इसको, जो जमीन से बाहर की तरफ जो तना रहता है, वो कौन कौन सा उपयोगी है? तो वुड के रूप में यानी कि जिनसे अपन को लकड़ी मिलती है, जैसे एग्जाम्पल है शीशम है, सागवान है, चीड़ का पौधा है, इनका जो जमीन से बाहरी वाला भाग होता है या तना होता है वो उपयोगी होता है। कुछ जो एरियल स्टेम होते हैं या वायवीय तने होते हैं, उनसे अपन को फाइबर यानी कि रेशे भी मिलते हैं, जैसे जूट है, पटसन है, सन है, इनसे अपन को रेशे मिलते हैं। इसके अलावा सुगर कैन जिसका उपयोग शक्कर बनाने में भी किया जाता है। तीसरा जो प्लांट्स का ऑर्गन है वो है लीव्स यानी कि पत्तियां। कुछ पौधों की पत्तियां भी हैं जो उपयोगी होती है, जैसे स्पाइनेज, स्पाइनेज का मतलब होता है पालक, टबाकू है, टी है, कैबेज है, इंडिगो है, इनकी लीव्स हैं जो उपयोगी होती हैं। आप घरों में चाय पीते होंगे तो चाय की पत्तियां हैं उसी से हैं जो अपन को चाय मिलती है। फिर जो प्लांट का नेक्स्ट ऑर्गन है फ्लावर, तो कौन से प्लांट के फ्लावर हैं जो यूजफुल होते हैं? जैसे केसर जो इसकी खेती है जो जम्मू कश्मीर में होती है, जो एक ठंडा प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, हाल ही में इसको केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, दो केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर के अंदर केसर की खेती होती है जिसको अपन सेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सेफ्लावर हैं, कॉलीफ्लावर हैं, ये हैं जो फल फ्लावर होते हैं और जो उपयोगी पार्ट होते हैं प्लांट के। फ्रूट फ्रूट के रूप में प्लांट के कौन कौन से उपयोगी पार्ट हैं? जैसे सीरियल्स, सीरियल्स यानी कि अपन अनाज की बात करें तो वीट है, मेज है, राइस है, बाजरा है, तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनको अपन कैरियोप्सिस बोलते हैं, जो उपयोगी होता है और इसको खाने के रूप में यूज लिया जाता है। इसके अलावा एप्पल है, पपीता है, आम है, मैंगो है, ये भी फ्रूट्स के रूप में यूजफुल होते हैं। वेजिटेबल्स के रूप में लौकी है, तोरी है, भिंडी, बैंगन, टमाटर, इसके अलावा नारियल, सौंफ, जीरा, धनिया, इन सभी प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं वो यूजफुल होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लांट का पार्ट है वो है सीड, तो किस प्लांट के सीड्स हैं जो यूजफुल होते हैं? जैसे दाल, मूंग है, मोठ है, इन सभी प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो दलहन के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा सरसों है, अरंड है, सूरजमुखी है, कॉफी है, इनके सीड्स हैं जो यूजफुल होते हैं। फिर जो बार्क होती है, बार्क भी प्लांट की यूजफुल होती है, जैसे कुनेन की जो गोलियां होती हैं वो सिनकोना के प्लांट से प्राप्त होती हैं, और जो एक दालचीनी होता है वो सिनमोम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है अपन का लेटेक्स या जिसको अपन रबड़ सीड भी बोलते हैं, तो कुछ प्लांट्स के अंदर दूधीय पदार्थ निकलता है जिसको अपन लेटेक्स बोलते हैं,
तो वो दूध पदार्थ भी यूजफुल होता है, जैसे हैविया के अंदर है फाइकस का मतलब बरगद, बरगद के पेड़ से भी लेटेक्स निकलता है। कुछ प्लांट्स हैं जो अपनी बॉडी से बाहर की तरफ कुछ मेटल एक्सक्रिएट करते हैं, जैसे गोंद। गोंद भी जो एक यूजफुल प्रोडक्ट है, और किससे प्राप्त होता है गोंद, जो है कुमटा है, दावड़ा है, बबूल है, इनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ रेजिन्स भी निकलता है, जैसे फेरुला एस्फोइटिडा है, पाइनस है, इनके स्त्राव से रेजिन मिलता है। नेक्स्ट जो अपन का टॉपिक है वो है फूड प्लांट या खाद्य पादप। तो खाद्य पादप के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इसके अंदर देखो सीरियल्स है और मिलेट्स यानी कि अनाज, और जो बाजरा आता है वो है। इसके अलावा पल्सेज यानी कि दालें आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, और फ्रूट्स आती हैं जो खाद्य पादप के रूप में काम आते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर सीरियल्स यानी कि अनाज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सीरियल्स वर्ड है वो ग्रीक भाषा के सेरी शब्द से लिया गया, और जिसका मतलब होता है गोडे गोडेज ऑफ ग्रेन्स यानी कि अनाज की देवी। यानी कि कहने का मतलब रोम के जो लोग होते थे वो इन जो दाने होते थे उनको देवी देवताओं को चढ़ावा देते थे, जो और बाजरा के, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं गोडेस ऑफ ग्रेन्स, और वहीं से सीरियल शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। जो जितने भी जो धान्य फसलें होती हैं वो पोएसी कुल की सदस्य होती हैं, और जो सेरियल्स होता है उनका जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो एक बीजीय होता है और शुष्क होता है और अस्पोन्टन सेल यानी कि जो फटता नहीं है। तो उस सीड्स उस सॉरी उस फल को अपन कैरियोप्सिस कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है जो पोएसी कुल के सदस्य होते हैं उनके फल को अपन क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। जो कैसा होता है, इसके अंदर एक ही बीज होता है, शुष्क होता है और अस्फुटन सील्स होता है। और जो फल होता है उसके अंदर जो फल भित्ति होती है वो बीजारोंड से यानी कि टेस्टा, जो पेरिकार्प होती है वो टेस्टा से बिल्कुल जुड़ी रहती है या संयुक्त रहती हैं। तो जो अनाज होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ऑयल है, विटामिन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वाटर होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लंबे समय तक इनको अपन भंडारित या स्टोरेज रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो ग्रैमिनी या पोएसी कुल के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो यूज होता है वो अनाज या धान्य फसलों की तरह होता है, और उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिन यानी कि रासायनिक संगठन होता है वो भी जो धान्य फसलें होती हैं उनके सिमिलर होता है। तो ऐसी फसलों को अपन कूट धान्य फसलें या स्यूडो सेरियल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार की कौन कौन सी धान्य फसलें हैं जिनको अपन कूट कूट धान्य फसलें या स्यूडो सेरियल्स कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है चिनोपोडियम क्यूना, ट्रापा, नेटनस जिसको सिंगड़ा भी बोलते हैं, एमरेंथस की स्पीसीज है। इसके अलावा फेगो पायरम एस्क्यूलेंटम है जिसको अपन बकवीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें जो प्रमुख धान्य फसलें हैं या सम इम्पोर्टेंट सीरियल सीरियल क्रॉप्स, उनको है जो जनरली तीन वर्गों में या तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है जो मेजर सीरियल्स यानी कि प्रमुख धान्य फसलें कौन कौन सी है, तो इसके एग्जाम्पल है वीट है, राइस है, मेज है, इनको मुख्य धान्य फसलों के अंतर्गत रखा गया है। माइनर सीरियल्स यानी कि जो प्रमुख नहीं है यानी कि गौण है, तो इसके अंदर है जो बार्ले जिसको जो बोलते हैं, ओट यानी कि जई है, और राई, ये है जो माइनर सीरियल्स होती हैं। इसके अलावा कुछ मोटे अनाज होते हैं जिनको अपन मिलेट्स बोलते हैं, जिनके एग्जाम्पल ज्वार जिसको सोर्गम बोलते हैं, और बाजरा यानी कि पियर मिलेट्स बोलते हैं। तो अपन इस वीडियो में अपन ने देखा कि इकोनॉमिक बॉटनी होती क्या है, और इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर अपन ने देखा कि भी प्लांट के कौन से ऑर्गन है जो यूजफुल होते हैं, और इसके अलावा अपन ने देखा कि जो मैन जो सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो मैन सीरियल क्रॉप्स है उसके अंदर वीट आता है,
उस वीट का अपन स्टडी करेंगे, उस जिसके अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वीट का कल्टीवेशन कैसे होता है, किस टाइप की जो वैरायटीज होती है वीट की, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।